Hello and you are all welcomed in the video session of dictionary. As you have looked on the thumbnail, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि डिक्शनरी में ये डिक्शनरी का सेकेंड पार्ट है. इस वीडियो में हम डिक्शनरी के कुछ और मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं. सो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे काम किया था, जिस फाइल पे वर्क किया था, हम आज भी उसी फाइल पे वर्क करेंगे. बिकॉज मैं आपको प्रीवियस वर्क भी शो कर सकती हूँ, प्रीवियस वर्क को हम एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं. सो गेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस डिक्शनरी सेशन. सो दिस इज अ फाइल इन विच वी हैव वर्क्ड लास्ट वीडियो. सो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा कि डिक्शनरी हमने क्रिएट की थी डिक्ट के नाम से, देन हमने उसे प्रिंट किया था. उसके बाद फिर हमने DIR डिक्ट के नाम से हमने डिक्शनरी के मेथड्स को भी देखा था. सो अब मैं एक बार इसको यहाँ पे फिर से रन करके आपको दिखाऊंगी ताकि चीज़ ये क्लियर आइडिया मिल जाए दैट हमने कौन से मेथड्स किए थे और कौन से मेथड्स हमने वर्क नहीं किए थे. सो आई एम रनिंग दिस फ्रॉम हियर. सो लुक, हमें यहाँ पे हमारा फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ मिल चुका है. हमें यहाँ पे डिक्शनरी के बारे में बता दूँ आपको कि ये है हमारी डिक्शनरी. दिस इज़ आर डिक्शनरी दैट वी हैव क्रिएटेड. दिस इज़ ऑल, ये हमारी पूरी पूरी डिक्शनरी है, ये वाली लाइन. ओके, और ये वाले जितने हैं ये हमारे सारे सारे मेथड्स हैं जो डिक्शनरी में हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे डिक्शनरी मैंने लास्ट में बताया था लास्ट वीडियो में कि इसमें हमारे पास दो तरीके से वैल्यू स्टोर होती हैं, की एंड वैल्यू. सो हम जब इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो इसमें कुछ मेथड्स भी होते हैं डिक्शनरी के. लाइक यू कैन सी हियर दैट यहाँ पे आइटम्स की, फ्रॉम कीज, गेट. गेट भी एक हमारे डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका है. तो आज इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे कि इन चीज़ों को हम कैसे वर्क करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अभी अभी वीडियो में देखा था हमने, अभी अभी आपको दिखाया था मैंने कि हमारे पास किस तरीके से हमने इन मेथड्स को यूज़ करने का बोला है कि आज हम अपने इस मेथड्स को यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे. तो पहला हम यूज़ करेंगे गेट मेथड. हम अपने डिक्शनरी के एलिमेंट को एसेस किस तरीके से कर सकते हैं आज हम वो चीज़ सीखने वाले हैं. ठीक है, हमने डिक्शनरी बना ली है. ठीक है, जाहिर सी बात है हमें कोई वर्क होगा डिक्शनरी का. वी हैव क्रिएटेड डिक्शनरी. सो उसके काम के लिए, अब उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे गेट मेथड है जिसके ज़रिए अपने हम डिक्शनरी को यूज़ करेंगे. सो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएटेड है, आपको आई थिंक विजिबल है यहाँ पे डिक्शनरी वन वेलकम टू ग्रो विथ ट्रेंड. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. तो अब मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे प्रिंट डिक की जगह मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करूँगी टिक डॉट गेट. आप देख सकते हो मैंने जब गेट पे, जब मैंने जी पे क्लिक किया, जैसे मैंने जी प्रेस किया, मेरे पास यहाँ गेट मेथड के लिए आ गया गेट सेल्फ के. सेल्फ यहाँ पे जो लिखा है आपको दिख रहा होगा, आई थिंक सेल्फ कॉमा के. सेल्फ ये है कि वो खुद को कॉल, खुद को डिक्लेयर कर रहा है, खुद को यहाँ प्रिंट कराएगा डिक को. और के वो इंडेक्स वैल्यू है, की वैल्यू है जिसे हम स्पेसिफाई करेंगे. सो मैंने गेट पर क्लिक कर दिया और अब मैं यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफाई करने वाली हूँ. लाइक हमारा ऐसे वेलकम हमारे जीरो इंडेक्स पे है, टू हमारा सेकंड इंडेक्स, वन इंडेक्स पे है. सो आई वांट टू गो विद हमारा प्रिंट होके आए, तो ज़ीरो वन एंड टू. तो हमारा टू पे मैंने क्लिक कर, टू मैंने लिख दिया है, यानी कि अब मुझे मिलनी चाहिए ये वाली वैल्यू. आई वॉन्टेड टू गेट दिस वैल्यू क्योंकि ज़ीरो ये है, वन ये है, तो टू ये हो जाएगा. सो लेट्स सी हमें क्या मिलता है. सो ये हमें आउटपुट मिल गया है हमारा, हमें टू मिल चुका है यहाँ पे. सो यू कैन सी हियर आई एम रनिंग दैट. इसको मिटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको बिकॉज इससे कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी. सो या हमें आउटपुट हमारा मिल गया. आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे हमने अपना डबल क्रिएटिंग के बाद यहाँ पे हमारे पास ये डिक्शनरी का आ रहा है डिक्स इज इक्वल टू. हमारे पास ये टू ऑलरेडी प्रिंट होकर यहाँ पे आ गया है जो हमने लिखा था कि हमें सेकंड इंडेक्स नंबर पे चाहिए, जो हमें सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू थी हमें वो मिल के आ गई है. अब यही चीज़ मैं करूँगी अपने थर्ड इंडेक्स से. ठीक है, आई एम डूइंग इट अगेन विद माय थर्ड इंडेक्स. आई एम राइटिंग इट थ्री, देन आई एम प्रिंटिंग इट अगेन. देन सी हमें यहाँ पे भी आउटपुट मिल गया है. हमारे पास ये गो विथ होके आ गया है. ठीक है,
एंड नाउ इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड इन द प्रीवियस व्हाट आई हैव सेड, इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड देन व्हाट यू हैव नॉट सीन इट, मैंने जो यहाँ पे थ्री पे क्लिक, जब मैंने यहाँ पे थ्री प्रेस किया तो मेरे पास गो विथ प्रिंट होके आया, एंड व्हेन आई हैव प्रेस द टू देन मेरे पास यहाँ पे टू प्रिंट होके आया था. ओके, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं हुआ है, यानी कि ये 1, 2, 3 एंड 4 ही है. ओके, सो हमारे पास वही वैल्यू प्रिंट होके आई जो हम चाहते हैं. सो यहाँ पे हमें ट्रेंड प्रिंट होके आ रहा है. सो कुछ ये इस तरीके से हमारे पास था. एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर तो आप यहाँ पे कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो फॉर राइटिंग दिस टाइप ऑफ शिफ्ट हैश. ओके, देन लिस्ट एंड पाइथन. ठीक है, इससे आपको मैं अभी लिख दे रही हूँ ताकि एक चीज़ क्लियरिटी हो जाए कि हाँ हमने लिखा है सॉर्ट ऑफ कोड तो क्यों लिखा है. ठीक है, डिलीटिंग स्पेसिफाइड इंडेक्स. ओके, एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं कॉपी ऑफ लिस्ट. ठीक है, सो इस तरीके से कुछ हमने कर लिया है. यहाँ पे कमेंट्स, क्रिएटिंग टपल, वेटिंग एंड कॉन्कैटिंग टपल. सो आप जब कोडिंग करो तो आप कोडिंग में अपने इस तरीके से कुछ चीज़ें शॉर्ट चेंजेस कर सकते हो, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो. जब आपको दोबारा फाइल खोलते हो तो समझने में अपने आप को अंडरस्टैंडिंग होती है. ओके, तो यहाँ पे अभी तक हमने जो भी चीज़ें की हैं वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है वोंट फॉरगेट टू स्टार हैश क्रिएटिंग क्रिएटिंग का डिक्शनरी. ओके, हमने यहाँ पे अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर ली है. सो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हमने की थी यहाँ पे. एंड अब मैं यहाँ पे कुछ भी अपना कमेंट यहाँ पे कुछ भी कमेंट कर सकती हूँ. इससे क्या हमारे कोडिंग में यूनिफॉर्मिटी आती है, किस तरीके से आती है, लेट्स सी. ठीक है, लुक आपको समझने में आसानी हो जाएगी इससे कि हमने स्पेसिफाइड नीचे वाले कोड में ऊपर वाले कोड में हमने किया क्या क्या चीज़ें. तो ये कमेंट का मतलब ये होता है कि जो यूज़र हमारा कभी कोई हमारे कोड को विजिट करे तो उसी चीज़ें समझ में आए कि हमने जो कोड किया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका वर्क क्या है, हम क्यों कर रहे हैं. तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो ये हमारा था वो डिक गेट गेट फंक्शंस का. नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द अनदर मेथड ऑफ डिक्शनरी. बट डिक्शनरी हमारी सिर्फ एक, अभी तो जो आपने डिक्शनरी देखी वो नॉर्मल डिक्शनरी थी. हमारी एक बनती है डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी, जैसे हम करते हैं नेस्टेड इफ एंड एल्स. सेम चीज़ यहाँ पे हमारे साथ होती है नेस्टेड डिक्शनरी, यानी कि एक डिक्शनरी के अंदर कई सारी डिक्शनरीज होती हैं. दैट वॉज कॉल्ड इज नेस्टेड डिक्शनरी. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अब मैं आपको यहाँ पर नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करके दिखाऊंगी कि हम नेस्टेड डिक्शनरी को किस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने अब डी इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे डिक्शनरी बनाऊंगी डी के नेम से, डी इक्वल्स टू दिस. ठीक है, सो आपको अब यहाँ पे मैं डिक्शनरी क्रिएट करके दिखाऊंगी, नेस्टेड डिक्शनरी हाउ टू क्रिएट इट, बहुत इजी है. सो अब यहाँ पर डी के बाद हमने ये वाला ब्रैकेट लिया है. अब नेक्स्ट नेस्टेड डिक्शनरी में कुछ हमारे अलग अलग तरीके से बनती है डिक्शनरी. यहाँ पे हमने सेम ब्रैकेट लिया था, यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट लिया है. अब इसमें क्या होगा, हम पहले कुछ प्रोसेस हमारा सेम होता है, कहीं कहीं हद तक हमारा प्रोसेस सेम होता है डिक्शनरी का और नेस्टेड डिक्शनरी का. सो अभी आप बस देखो कैसे करना है. क्वेट वन, देन ये वाला कॉलन, उसके बाद डबल कोटेशंस में ही लिखना है, याद रखना. देन आई एम राइटिंग हियर, ठीक, एनीथिंग रैंडमली, एनीथिंग. आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द लाइब्रेरीज. ओके, इन पाइथन. ओके,
यू सिट व्हाट आई एम राइटिंग हियर, कंफ्यूज मत होना कि मैं यहाँ पे लिख क्या रही हूँ एक्चुअल में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाना काफ़ी मत बोलना, बिकॉज इससे हमारा कोडिंग में एरर शो हो सकता है। सो ये जो मैंने ब्यूटीफुल सोप लिखा है, ये भी हमारी एक लाइब्रेरी ही होती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी, ये हमारी वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेंगी आपको पाइथन में, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरीज आर बीइंग प्रेजेंट हियर नाउ। सी हियर, यहाँ मैंने फोर के बाद ही दोबारा से ये ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, बिकॉज यहाँ पे अब मैं दोबारा हमें फोर से एक और डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग अ डिक्शनरी अगेन हियर, अब मैं यहाँ पे एक और डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ बाई यूजिंग फोर। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस दिख रहे होंगे, अब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू कोट्स के अंदर लिखूँगी तो वो मेरी प्रिंट हो जाएगी। आई एम राइटिंग ए देन बी सॉरी दिस आफ्टर दैट वी आई एम टेलिंग एनीथिंग रैंडमली टू स्पेसिफाई व्हाट यू आर राइटिंग, ओके। आई एम राइटिंग व्हाट आई वाज वांटेड टू बी राइट, बट यू हैव टू फोकस ऑन इट। सो टी, सो दैट्स इट, आई हैव रिटन हियर। आई थिंक सम मिस्टेक हैज बीन डन हियर, या कॉमा देन दिस, या डोंट मेक सच मिस्टेक्स। आपको इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो कभी कभी हो जाती है। सो या सो हियर वी हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी। यहाँ मैं लिख दूँ कमेंट में ताकि क्लियर हो जाए व्हाट वी हैव डन, नेस्टेड डिक्शनरी। सो ये हमारी है नेस्टेड डिक्शनरी। अब मैं इसको करूँगी प्रिंट डी। सो या हियर वी गॉट द आउटपुट व्हाट एवर वी वांटेड टू गेट, हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल गया जो हम चाहते थे। सो टेक अ लुक, सो आपके यहाँ पे आई थिंक विजिबल होगा कि हमने यहाँ पे वन चिकन जो ब्यूटीफुल सोप, मेरे पास पूरी पूरी ये डिक्शनरी क्रिएट होकर आ गई है, प्रिंट होकर आ गई है, जो भी अभी भी हमने क्रिएट किया है पूरी डिक्शनरी मेरे पास आ चुकी है। अब इसी नेस्टेड डिक्शनरी में हम वही ऑपरेशन अब परफॉर्म करेंगे जो हमने नॉर्मल डिक्शनरी में परफॉर्म किए थे। लाइक इन नॉर्मल डिक्शनरी में हमने प्रिंट एलिमेंट को एसेस किया था बाई यूजिंग डॉट गेट मेथड, हम यहाँ पे भी वही चीज़ सेम चीज़ करेंगे। डॉट गेट को यूज़ करके हम यहाँ पे अपनी फोर्थ वाले डिक्शनरी को एसेस करेंगे। इट मीन्स दैट आई एम सेइंग दैट कि अब मैं ये वाले डिक्शनरी को एसेस करने वाली हूँ बाय यूजिंग दिस गेट मेथड, इस गेट मेथड को यूज़ करके करूँगी। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं डी डॉट गेट फोर एंड प्रिंट डी, इसको यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट डी। सो हमने यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कोड लिख दिया है ना, सो हियर यू कैन सी दैट कि मेरे पास यहाँ पे ये वाला डिक्शनरी प्रिंट होकर आ गई। पहले मैं इसे इरेज कर लूँ, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन देगा। सो मैंने यहाँ पे इसे क्रिएट कर दिया है, अब देखो यस, तो हमें हमारा आउटपुट मिल गया है जो भी हमें चाहिए था, वी गॉट। सो अभी आपने देखा यहाँ पे कि ये डी डॉट गेट किया मैंने, फोर पे फोर लिखा, तो मेरे पास यहाँ पे फोर्थ पे जो जो वैल्यूज थी फोर्थ वाली डिक्शनरी की इंडेक्स पे,
की पे वो हमारे पास सारी वैल्यू प्रिंट होके आ गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देख के समझ के मुझे कमेंट करके बताना है कि फोर्थ में ये जो हमारे पास जो हमने कोड लिखा है वो ऐसा डिक्शनरी प्रिंट होके क्यों नहीं आई, नीचे कुछ डिफरेंट क्यों आई है, आपको ये चीज़ें नोटिस करके मुझे बतानी होंगी कमेंट में। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चीज़। अब हमें क्या करना है, अब हम यूज़ करेंगे एक और अलग मेथड। अब हम एक नया मेथड से वर्क करने वाले हैं। अभी मैंने आपको उस टाइम बताया था कि हमने एक पॉप मेथड देखा था, ये पॉप मेथड हमने लिस्ट और ये पॉप मेथड में टपल में भी लिस्ट में यूज़ किया था। पॉप मेथड क्या यूज़ था, इसका यूज़ वहाँ डिफरेंट था, इसका यूज़ यहाँ डिफरेंट है। तो अब हम मैं पॉप मेथड के ज़रिए आपको कुछ स्पेसिफिक की नंबर मतलब डिलीट करके दिखाऊंगी। सो मतलब अभी हमारे पास देखो 1 2 3 एंड 4 है, ओके। मैं अगर चाहती हूँ कि मेरा ये 1 वाला जो है ये की डिलीट हो जाए, 1 में जो भी चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाए, इतनी चीज़ों से प्रिंट हो, तो वो मैं किस तरीके से करूँगी, जस्ट टेक अ लुक ऑफ इट, ओके। मैंने यहाँ पे पॉप अंडर स्कोर ELE एक डिक्लेयर किया। ELE क्या है यहाँ पे, मैंने पॉप ELE में स्टोर करूँगी इसका रिजल्ट, ठीक है। ये कुछ मेथड है, तरीका है शो करने का। फिर मैं यहाँ लिखूँगी पॉप, आपको दिख रहा है कि पॉप ELE हमारे ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगी, मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू करने के बाद यहाँ पे मुझे अपनी ऊपर ही डिक्शनरी का नाम लिखना है जिसे मैं चाहती हूँ कि जिसमें से मैं कुछ अपनी वैल्यूज को डिलीट करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे वो डिक्शनरी का नाम लिखना है। सो वी आर राइटिंग अबाउट डिक, तो मैं यहाँ पे डिक का नाम लिखूँगी, डी आ गया डॉट पॉप। आपको अब यहाँ पॉप से रिलेटेड दो चीज़ें दिख रही है, पॉप सेल्फ के एंड पॉप आइटम सेल्फ। पॉप सेल्फ के में क्या होगा, हमने के लिखेंगे तो वहाँ पर तो अपना की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। मैंने अगर 2 लिखा है 1 लिखा तो वो रिलेट रहेगा, अगर मैं सेल्फ लिखती हूँ तो आइटम भी रिलेट होगा पूरा पूरा 1 के साथ, हमारा जो जो वैल्यू स्टोर है वो भी सी, जो सी हो, ओके। मैंने ये लिख दिया, अब मैंने क्लिक कर दिया है 1 पे, 1 मैंने लिख दिया है, देन आई एम प्रिंटिंग डिक्ट, ओके। सो हियर वी गेट, हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है हमारा। यहाँ जैसे ही मैंने ये वाला डिलीट किया, मेरे पास यहाँ पे 1 में जो वैल्यू थी वेलकम था, आई हैव स्टोर्ड वेलकम ऑन 1, वो यहाँ पे अब नहीं है, यानी कि वो हमारा डिलीट हो चुका है पर्टिकुलरली, ठीक है, डिलीट हो चुका है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ पॉप आइटम करके, ओके। सो अभी जो आपको देखा दिखाया था मैंने पॉप आइटम वाला मेथड, अब हम उस मेथड को यूज़ करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे, हमने जैसे पॉप ईयरली लिखा था वहाँ पे, हम सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, पॉप ईयरली इक्वल्स टू, अब मैं ये चेंज करने वाली हूँ डी वाले डिक्शनरी में, सो मैंने वही लिखा है। अब मैं अभी लिखूँगी डे डॉट पॉप, पॉप आइटम हमारे उस प्रॉम्प्ट में आ रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे, सेल्फ में आ जाएगा। मीन्स हमें इसमें यहाँ पे आपको अगर एक चीज़ क्लियर नहीं दिखी हो, नहीं विजिबल हो, आई विल शो इट अगेन। मैंने जब यहाँ पॉप आइटम देखा तो यहाँ पे देखना ध्यान से सेल्फ लिखा है, इट मीन्स वो उस डिक्शनरी में से कुछ इररिलेवेंट चीज़ों को डिलीट कर देगा, यानी की वैल्यू हमारे पास एज इट इज रहेंगी, बाकी जो उसके अलावा चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। इसमें हमें कोई अपने आप से वैल्यू या इंडेक्स या स्पेसिफाई नहीं करना, सो जस्ट टेक अ लुक ऑफ इट। हाँ सर, यहाँ ठीक है, प्रिंट कराना है हमें, यहाँ प्रिंट डी, सो यह हमें आउटपुट मिल गया। अब आपको तो ध्यान से देख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये फोर्थ नंबर ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी थी, यहाँ पे एक और ये डिलीट हो गई है, हमारे पास सिर्फ ये 3 चीज़ें 3 एलिमेंट्स बचे हैं इसमें, ओके। अब ये सेम चीज़ हम करेंगे अपनी डिक्शनरी वाली फाइल में, डिक में, ठीक है, जो हमने डिक नाम से बनाई है, अब हम सेम चीज़ उसमें कर रहे हैं। हम प्रिंट वाला चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कितनी फास्टली कोडिंग यहाँ की जा सकती है इन पाइथन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 3 ग्रोथ, हमारे पास हमारा एक वैल्यू तो पहले डिलीट हो गई थी यहाँ पे, अब हमारे पास एक
कम हो गया है, बच गए हैं दो, यानी कि हमें इसके ऊपर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारा सबसे लास्ट में इंडेक्स होता है, जो हमारे पास सबसे लास्ट में की वैल्यू होती है, वो उसको हटा देता है वहाँ से, ठीक है। इट विल रिमूव दैट ऑनली, ठीक है। आपको मैं एक और चीज़ देख करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो लास्ट वाली वैल्यू को ही रिमूव करता है। ऐसा नहीं है कि वो जो हमारे पास स्पेयर वैल्यू के अलावा ही डिलीट करता है। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा सा, विल मेक अ चेंज हियर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक और बना ली है डिक्शनरी, आई एम क्रिएटिंग अ डिक्शनरी हियर अगेन, ठीक है। अब मैं इसमें स्टोर करूँगी ये कुछ चीज़ें। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ ये दिखाने के लिए आपको कि हमारे पास और कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो वो डिलीट करता है एट लास्ट वैल्यूज। अब आपको यहाँ पे चीज़ दिख रही होगी, बहुत क्लियरली विजिबल है ये, कि जब मैंने ये इसे जब रन किया, मैंने यहाँ पे पॉप लिखा था सिर्फ, ठीक है। आई हैव जस्ट रिटन द पॉप हियर, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ मेरे पास ये वाली वैल्यू जो थी पॉप आइटम की, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा था पॉप आइटम, डी वाली फाइल में पॉप आइटम लिखा था मैंने, उसका रिजल्ट हमें क्या मिला, यहाँ पे जो लास्ट वाली डिक्शनरी का जो पोर्शन था, जो फिफ्थ वाली डिक्शनरी थी, वो हमारी डिलीट हो गई है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ फोर्थ तक का है, बाकी लास्ट वाली डिलीट हो गई। तो आपको इससे बेसिकली एक आइडिया ये मिल गया कि जो पॉप आइटम मेथड है, वो हमारी डिक्शनरी का सबसे लास्ट पोर्शन जो भी होता है, जो भी लास्ट में हमारे पास डिक्शनरी के एलिमेंट्स होते हैं, वो उन्हें रिमूव कर देता है पूरे तरीके से, और हमें प्रिंट में कर देता है नई डिक्शनरी। यही प्रोसेस हमारे डिक्ट वाले के साथ हुआ, हमारे पास लास्ट में ट्रेंड था वो डिलीट हो गया, टू एंड रो विथ हमारे पास एज इट इज प्रिंट होके आ गया। तो ये था हमारा पॉप आइटम के बारे में, जो हमने देखा कि पॉप आइटम का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे हम लिस्ट को क्लियर, हम अपने डिक्शनरी को क्लियर किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्लियर द डिक्शनरी, ओके। हाउ वी कैन क्लियर द डिक्शनरी, मेक श्योर कि आप जब भी कोडिंग करो तो आप इसमें यहाँ पे कमेंट्स लगा देना, ताकि आपको चीज़ आसानी हो जाए समझने के लिए जब आप नेक्स्ट टाइम कोड विजिट करो। तो अब मैं यहाँ पे क्लियर फंक्शन का यूज़ करने वाली हूँ, क्लियर मेथड का यूज़ करने वाली हूँ, पर पहले मैं यूज़ करूँगी डिक्ट के साथ, डी आई डिक्ट डॉट क्लियर, ओके। आपको क्लियर विजिबल हो रहा है यहाँ पे, कि जब मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा तो यहाँ पे बस क्लियर के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं। मैंने क्लियर पे क्लिक कर दिया, एंड इससे पहले मैं इसको प्रिंट भी करूँगी, ठीक है, ताकि मुझे दोबारा लाइन लिखनी ना पड़ जाए, ओके। या हियर, अब हमारे पास हमने प्रिंट कर लिया इसको, हमारे पास नन लिखा हुआ इसके अलावा, क्योंकि हमारे पास डिक्ट नाम की डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं, वी डिडेंट हैव अ एनी थिंग इन दैट नेम डिक्शनरी डिक्ट। अब मैं इसको एक जिस प्रिंट से प्रिंट करके आपको श्योरिटी दे दूँगा कि हमारे सच में उस नाम से कुछ भी नहीं बचा है, डिक्ट नाम की डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास खाली डिक्शनरी प्रिंट होके आ गई है। तो इट मीन्स दैट कि हमने क्लियर कर दिया है अपनी डिक्ट वाली डिक्शनरी को, सो वी हैव क्लियर दैट डिक्शनरी, ओके। सो डिक्शनरी में इतना ही था जो सफिशियंट था, क्योंकि डिक्शनरी की नॉर्मल चीज़ें हमने देख ली हैं। सो आज हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, आज हमने किया है डिक्शनरी के पॉप आइटम को पॉप किस तरीके से करते हैं, मीन्स हम अपने स्पेसिफाइड की को किस तरीके से डिलीट करते हैं। देन नेक्स्ट हमने क्या था, गेट फंक्शन, गेट मेथड का यूज़ करके हमने कुछ अपने मनचाहे एलिमेंट्स को हमने एसेस किया था। देन हमने पॉप आइटम का यूज़ करके लास्ट वाले एलिमेंट्स को डिलीट डिलीशन हो जाता है, ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद हमने क्लियर करना सीखा कि हम डिक्शनरी को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। देन हमने सीखा था नेस्टेड डिक्शनरी, ये सेम चीज़ें हमने नेस्टेड डिक्शनरी में भी की। इट मीन्स दैट हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं डिक्शनरी के पोर्शन में। तो डिक्शनरी का लास्ट सेशन है, क्योंकि डिक्शनरी की हमारे पास इतनी ही चीज़ें थी जो डिक्शनरी में डिस्कस करनी थी। अगर आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो जो आज मैंने एक्सप्लेन किया है, इफ़ यू आर अवेयर विद द कोडिंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन कोडिंग को रन करने में, देन प्लीज़ मुझे बता देना कि हाँ दैट यू गॉट सक्सेस,
और अगर आपको कहीं भी पे कोई भी एरर आता है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेल भी मेल करके एक्सप्लेन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इंस्टा आईडी में मेरी एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको दिख जाएगी इंस्टा आईडी एंड फेसबुक पेज ऑल्सो, सो यू कैन फॉलो दोज ऑल्सो टू गेट मोर अपडेट्स फॉर द कमिंग वीडियोज। ओके, फॉर कमिंग वीडियोज लाइक इन विच टॉपिक द नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग, नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आ रही है, आपको उसके अपडेट के लिए आप फॉलो करना चाहते हो, आपको फॉलो करना चाहिए बिकॉज इससे आपको अपडेट मिल जाएगी कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी वीडियो टिल नाउ देन यू कैन प्लीज जस्ट एक्सप्लेन मी इन द कमेंट सेक्शन और वेयर एवर यू वॉन्टेड टू एक्सप्लेन, जस्ट डोंट हेजिटेट विद योर प्रॉब्लम्स टू एक्सप्लेन मी so that I can resolve your problems. Okay, so stay safe, stay happy and keep learning Python with GoBitTrain, and thank you, bye bye.